बीते शनिवार बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के अंदर हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार सुबह से ही भूए एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने पहते तो सदन में फिर विधानमंडल में जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर भी मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर खूब नारेबाजी हुई। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया। अभी हंगामा खत्म भी नहीं हुआ था कि बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक फिर से शराबबंदी और मंत्री राम सूरत पर बात शुरू कर दी, जिस पर नेता पक्ष ने बीच में टोकना शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गुस्से में तेजस्वी यादव को मुद्दे पर बात करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो बात बिजनेस में नहीं उस पर चर्चा कैसे होगी, जिस पर तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री की तरफ देखकर कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है। आसन ने हमें बोलने का समय दिया है, हमें हक है। इस पर सत्तारूढ़ दल के विधायक भड़क गए। इधर तेजस्वी बोलते जा रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मेरे मुंह खोलते ही सत्तारूढ़ दल कांपने लगता है, जिससे दोनों तरह के विधायक आमने सामने आ गए। पक्ष विपक्ष के विधायक बाहें चढ़ाकर सदन के बीचों बीच आ गए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए भिड़ गए। कुछ विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा की माइक तोड़ने की कोशिश की। उधर जनक सिंह अपनी ही माइक तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। देखते ही देखते मिनटों में बवाल मच गया। बात इतनी बढ़ी कि मार्शल दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने विधायकों को अलग किया। न्यूज़ डेस्क।